हेलो फ्रेंड्स, पीएसके किचन में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी, और जो कि बहुत यम्मी लगता है और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। और जो ये रेसिपी बनने वाली है, ये माइक्रोनी से मैं बनाऊँगी, और इसे बनाना बहुत आसान है। झटपट ये बन के रेडी हो जाता है। अगर आपका कुछ डिफरेंट सा खाने का मन करे ना, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे आप चाय के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक भगोना रख दिया था, इसके अंदर पानी डाल के, और ये जब हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद इसके अंदर हमें थोड़ा सा जो है कि ऑयल लेना है 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर डाल देना। इससे क्या होगा कि जब माइक्रोनी को हम बॉईल करेंगे तो माइक्रोनी आपस में चिपकेगी नहीं, और जो है खिली खिली रहेगी और एक दूसरे से अलग रहेगी। तो यहाँ पे माइक्रोनी को भी मैंने डाल दिया, और इसको अच्छे से जो है कि चलाते हुए इसे हमें बॉयल कर लेना है। और इसको हमें तब तक बॉयल करना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। ज़्यादा हमें बॉयल नहीं करना है, बस इसको आपको बीच में एक बार देखते रहना है कि मतलब सॉफ्ट हुआ है या नहीं हुआ। तब तक लिए इसे हमें बॉयल करना और आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि ये माइक्रोनी जो है नीचे तले में चिपक जाती है। तो आपको हाई फ्लेम पे इसे बॉयल करना और कंटिन्यू चलाते रहना है। और इसकी बॉयल होने की ये पहचान है कि जब माइक्रोनी धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, इसका मतलब ये होता है कि माइक्रोनी जो है हमारी अच्छे से बॉयल हो गई है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि माइक्रोनी हमारी मतलब बॉयल हो रही है, और ये धीरे धीरे देख सकते हैं आप यहाँ पे ये ऊपर उठने लग गई है। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए माइक्रोनी को जो है हमें बॉयल कर लेना है, और फ्लेम को हाई ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल नहीं बॉयल करना है। और जब ये अच्छे से मतलब बॉयल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए बॉयल हो चुका है, तो उसके बाद में गैस ऑफ कर देना है, और इसको एक बड़े छन्नी में डाल के इसको हमें छान लेना है। और एक बार इसको ठंडे पानी से अच्छे से हमें वॉश कर लेना है, ताकि जो स्टार्च वगैरह होते हैं इसके अंदर वो निकल जाए। तो इसे हमें बॉयल कर लेना है अच्छे से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको बाहर निकाल लिया था, और इसको एक बार मैंने ठंडे पानी से जो है कि वॉश कर दिया था। उसके बाद जब इसका पानी अच्छे से थोड़ा सा निथर जाए, निकल जाए, हल्का सा ड्राई हो जाए, और उसके बाद में हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है, और उसके अंदर ये जो माइक्रोनी बॉयल की है इसके अंदर आपको डाल देना है। और तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है, और उसके बाद में इसके अंदर जो है कि हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट क्या है इससे इसकी क्रिस्पनेस जो है बहुत ही अच्छी आती है। तो आप चाहें स्किप कर दें, ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इसके बिना भी बहुत क्रिस्पी बनता है। तो आप इस तरह से इसको हम जो है अच्छे से कोट कर देंगे, ताकि जो मैंने इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है ये अच्छे से जो है माइक्रोनी के अंदर ये जो है कोट हो जाए। इस तरह से इसको चलाते हुए अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कढ़ाई रख दी थी और ऑयल डाल दिया था अच्छे से। जब ऑयल गर्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद ये जो माइक्रोनी कोट करके रखा हुआ था इसको जो है कि इसके अंदर धीरे धीरे डाल के, और इसको जो है कि मतलब हमें फ्राई कर लेना है, और हाई फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है। और इसको तब तक के लिए फ्राई करना है जब तक इसके अंदर एक क्रिस्पनेस नहीं आ जाती है, तब तक के लिए इसे हमें फ्राई करना है, और इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। तो एक दो बीच में आप चेक भी करते रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको कंटिन्यू चलाते हुए मैं फ्राई कर लूँगी, और इसको एक बार ट्राई करें घर में, यकीन मानिए बच्चे बाहर की जो ये माइक्रोनी सॉरी मतलब कुरकुरे वगैरह खाते हैं, चिप्स खाते हैं, उसको भूल जाएंगे, और यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बार बार बनाने को। बहुत ही यम्मी बनता है, और ये बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये फ्राई हो गया है, और इसको सारे जो है कि माइक्रोनी मैंने बाहर निकाल लिया। उसके बाद जो सेकेंड बैच है सेम प्रोसेस है, इसको भी हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी फ्राई हो गया, अब इसको भी बाहर हमें निकाल लेना है। आप इसको किसी शादी पार्टी बनाते हैं तो बहुत ही यम्मी बनता है। इसकी क्रिस्पनेस आपको मैं दिखा रही हूँ, तो ये देखिए आप सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। उसके बाद में जो ये मसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, तो जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के, और आमचूर पाउडर, इसको अच्छे से आपको मिक्स कर देना है।
और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि चारों तरफ जो माइक्रोनी है वो भी अच्छे से मिल जाए। और आप अपनी मिर्च इसके अंदर ध्यान से डालें, क्योंकि बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो कम डालें। अगर आप ज़्यादा खाना मतलब चटपटा पसंद करते हैं तो इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, मतलब मिर्ची की क्वांटिटी आपको बढ़ा देनी है। तो यहाँ पे देखिए ये माइक्रोनी बनके रेडी हो चुकी है। और तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।